देखो यहां समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद इतिहास का ही दूसरा पाठ है, इसमें पढ़ना है। समाजवाद का मतलब क्या होता है? तो सब भारत के प्रस्तावना जो है, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, राष्ट्रीय गान है ना, प्रस्तावना जो है भारत का, उसमें समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। समाजवाद का अर्थ क्या है? भारत में विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं। पहले दिमाग से ये बात निकाल दो कि हिंदू कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। पहले जो आज जितना लोग पढ़े हैं, दिमाग के फॉरवर्ड हो गए हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उतना पहले कौनो पढ़ा नहीं था आदि समय में। उस समय लोग यहां तक अगर उनके पास शिक्षा होती तो अपने को स्वयं ईश्वर नहीं मानते, अपने को ईश्वर के अनुयायी नहीं मानते। समाजवाद का उन सबों को ज्ञान नहीं था, समाज में रहकर कैसे काम करना है ये वो सब जानते नहीं थे। हिंदू जो शब्द है ये शब्द नहीं है, इसका वास्तविक रूप है सिंधु। हिंदू कोई शब्द नहीं है। और सिंधु एक नदी है, जिस नदी के किनार पर बसा बड़ा भूभाग है सिंधु सभ्यता के अंदर। अब सभ्यता क्या है? पहले लोग मानो जो था नंगा रहता था, कच्चे कंद मूल मांस हेन तेन खाता था, वो भी एक सभ्यता थी। आज मनुष्य तन को ढक कर रहता है, पके पकाए भोजन खाता है, भाई बहन स्त्री पुरुष नाना नानी का संबंध जोड़ कर रखता है, संबंध समाज में एक दूसरे से बना कर रखता है, ये आज की सभ्यता है। ये सभ्यता, ये सिंधु घाटी में एक लजा होता है, लजा शब्द है लाज लगना, ये सबसे पहले हमारी सिंधु घाटी में पनपी। सिंधु घाटी सभ्यता उस ढंग की थी कि लोग इसे देखकर दूर दूर से देखने आते, हर एक दूसरे देश से आकर देखते और समझते कि नहीं, सिंधुवाद जो घाटी सभ्यता है अच्छी सभ्यता है। उसी सिंधु को लोग, जैसे अंग्रेज जो बोलते हैं अपने यहाँ हिंदी शब्दों को बोलते हैं, उत्ता का उच्चारण ट से करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? यहाँ तथ्य कहेगा तो इंग्लिश, आज भी इंग्लिश मैन आता है तो तथ्य न करके उसको तथ्य कहता है। उसी ढंग से यूनान से, फारस से, तुर्क से जो भी आया, उस सिंध न करके सी शब्द न करके ही शब्द का उच्चारण कर दिया और हिंदू कह दिया। और उसी चीज को आज हम लेकर ढो रहे, जबकि ये शब्द सिंधु है, उसको ढोने की जरूरत नहीं है। बात यहां पर आ गई समाजवाद। समाजवाद क्या है? तो एक से एक बड़े बड़े विचारक कहते हैं कि मनुष्यों का, मनुष्यों के साथ इच्छित संबंध ही समाज है। तो कोई प्रश्न इसमें ही कर देता है कि बतलाइए कि हम ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, हमारा उससे इच्छित संबंध बन जाए तो क्या वहां समाज बन गया? इस पर प्रश्न आके खड़ा हो जाता है। लेकिन कहने वाला भी गलत नहीं कहा है। डिफिनीशन का मतलब ये नहीं कि एक पेज का डिफिनीशन हो। अगर हम आसपास के परिवेशों में रहते हैं, अगर एक दूसरे से अच्छा संबंध नहीं हो, मनोहर संबंध नहीं हो, तो समाज सही बनेगा? लौर लठी रोज हो जाएगा। घरे में आजकल लौर लाठी रोज हो रहा है। तो समाज है, घर के परिवेश का एक परिवार है, परिवार भी एक समाज है। लेकिन बात रहा कि वैसे समाज की क्या जरूरत जहां की रोज लौर लाठी हो रही है। हमारे भारत देश के लिए समाजवाद शब्द जो है कोई बड़ी नई बात नहीं है, लेकिन यूरोपियों के लिए समाजवाद शब्द जो था
बहुत नया बात था। यूरोप में समाजवाद के क्या होता है इसके बारे में लोग नहीं जानते थे अधिकतर। आज उसी समाजवाद और साम्यवाद के बारे में लोग पढ़ते हैं, लेकिन कहा जाता है, परिकल्पना की है कि कार्ल मार्क्स जो थे 19वीं सदी में समाजवाद की कल्पना किए हैं। कार्ल मार्क्स आज 19वीं सदी में इसके कल्पना किए। उसके साथ साथ ही यूटोपियन में सेंट साइनस, चार्ल्स फेरियर, लू ब्लांग, रॉबर्ट ओबन समाजवाद की कल्पना करने वाले प्रमुख व्यक्ति बने। कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ, समाजवाद का उन्होंने प्रतिपादन किया और उसके रूप में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। कहते हैं कि समाजवाद जो है ये एक प्रतिष्ठित शब्द है, इसमें लोगों को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। आगे कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है उनकी 1883 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उस समय रूस मार्क्सवादी के लिए स्वर्ग सा था, यानी रूस में मार्क्सवादी विचारधारा पनप रही थी। मार्क्स ने जो अपने विचार लगाए थे वो रूस में बहुत ऊंचा उठ रहा था। कहते हैं कि रूस का जो शासक था उसको लोग उस समय जार कहते थे। रूस के शासक को क्या कहते हैं? जार, उस समय कहते थे। इसके बाद यहाँ लोग जो है चापलूस जो थे, चापलूस का नाम जानता है ना, जिसको आजकल तू लोग चमचा कहता है, उसको लोग समाज में बड़ा पसंद करते हैं, आज भी करते हैं। चमचा का क्या काम है? चालना, समाज को चालना, उनका मुंह पे उनका बड़ाई कर देना। अपन बड़ाई तो देवतों को भी अच्छा लगता है, तुम जैसे दुटंगियों का तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमार बड़ाई हो रहा है। बड़ाई के पात्र तुम हो नहीं। कहते हैं कि यहाँ पर सहूलियत यहाँ यही थी कि 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की जब लेनिन ने घोषणा की, रूस प्रथम विश्व युद्ध में था लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में लेनिन उसको वापस कर दिया, हटा दिया। युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, युद्ध से किसी भी देश का विकास नहीं होता है, ना किसी परिवार का विकास होता है। अगर कोई तुमको गाली दे दे तो क्या करेगा? डंडा उठा से कपार फोड़ देगा? तो फोड़ देगा तो कल पुलिस आ जाएगी और तुमको बिना पैर का कर देगी। अगर दो बात बोलता है तो चुपचाप सुन लो और सुन के वहां से निकल जाओ, कान बंद करके अपना विकास में लगे रहो। उस समय लेनिन जो था वो हट गया युद्ध से। 1981 में एक नीति रूस में लागू किया रूस ने। उस नीति में ये कुछ नियम बनाए जो जनता को कबूल नहीं हुआ। तो जनता को कबूल नहीं हुआ तो नई आर्थिक नीति में कुछ चीजें उसने हटा दी। उसने काम के घंटे भी वहां लागू किए कि अब काम जो होगा उसके घंटा में उसको किया जाएगा और उसके पैसे निर्धारित किए जाएंगे। रूस में लेनिन ने यहाँ तक ये भी किया कि उसको भरण पोषण के लायक उसको रकम दी जाएगी ताकि वो परिवार को अपने पोष पा सके। एक व्यक्ति उसने नीति में ये भी लागू किया कि 10-20 व्यक्तियों को लेकर आप कोई कंपनी या निजी उद्योग खोल सकते हैं। रूस में नीति लेनिन ने लागू की, तो इसका कड़ा विरोध भी किया गया। रूस ने उसमें कुछ चीजें हटा ली। हटाने के बाद उसका समाज में लेनिन का थोड़ा बहुत बहिष्कार तिरस्कार हुआ। तो रूस में लेनिन उतना पावरफुल था, वहां का जार्न था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन माइंड का बड़ा तेज आदमी लेनिन थे। उन्होंने क्या कहकर टाल दिया कि 3 कदम आगे बढ़ जाइए और उसमें से 1 कदम पीछे हट जाइए तो 2 कदम आगे बढ़ने के लायक ही वो बात है। अब मान लो कि 3 कदम यहां से 1, 2 और 3 चल दिए, यहां आ गया और उधर धक्का दे दिया तो हम 2-1 कदम पीछे हट गए, तो अभी भी उस जगह से तो 2 कदम हम आगे हैं। ये लेनिन बात समझाए अपने कैबिनेट ने, मंत्रियों को समझाए, लेकिन कोई समझे तब ना, कोई आकलन नहीं किया। तो 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू किया था। 1924 ईस्वी में
लेनिन के वापस के लिए कम्युनिस्ट और असली चेहरा दिखा। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद नेता बारी बारी से रूस के प्रधानमंत्री बनते गए। स्टालिन वहां 1953 में मर गए, उसके बाद वहां से हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक रूस जो है बड़ी शक्ति के रूप में उभर गया। यानी जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसमें रूस जो था बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। काहे उभर गया? इसलिए कि विश्व के पृथ्वी के सारे कंट्री जो थे द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे, तो द्वितीय भी आप युद्ध लड़िएगा तो उसमें क्या होगा, ज्ञान माल अर्थ नीति सबका नष्ट होगा जी, युद्ध में तो सब नष्ट होगा। और रूस हट गया था, यही तो अपना विकास कर रहा था। अब विकास करने के कई गो तरीके होंगे भाई, आप युद्ध कर रहे हैं युद्ध नहीं कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि आपको अस्त्र की जरूरत है, तो 10 रुपए के अस्त्र अब 100 रुपए में आपको बेचेगा, जाओ ले ले ले, ले जाओ लड़ो पैसा दो खल से। आपसे तेल भी लेगा 20 रुपए लीटर पहले बेचते थे, तो अभी क्या करेगा कि युद्ध में लाचारी में है तो कहेगा कि आप 10 रुपए लीटर दीजिएगा तो हम लेंगे, या नहीं तो नहीं लेंगे। तो मजबूरी है, आपको लेना ही है, लेना है कि नहीं लेना है? कैसे घर में आप लोग हो, घर ही में कोई दुकान करके व्यक्ति बैठा है, जब आपस में मेल है तो अपनी दुकान से सामान लेता है, और तबड़ा तबड़ी जब घर में कर देता है मारा मारी तो अपने दुकान में छोड़ के दूसरे पे जाने लगता है, जाता है। और वहां जाकर तुम्हारे घर में वो दुकान चाय 5 रुपए के 100 ग्राम देते थे, वहां जाओगे तो 10 रुपए देगा, लेकिन आन पे तुम कान कटा रहे हो कि ना हम 10 वाला लेंगे लेकिन 5 वाला नहीं लेंगे। तो बतलाओ उस समय अर्थ की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है? वैसा ही रूस द्वितीय विश्व युद्ध से हटने के बाद सारे देशों का मनमाने ढंग से अस्त्र, मनमाने ढंग से भोजन, मनमाने ढंग से तेल बेचता रहा द्वितीय विश्व युद्ध में, और वो हो गया आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। पैसा है तो परिवार सुदृढ़ है, पैसा है तो कितना भी बड़ा परिवार रहेगा तो आराम से एक साथ रह लेता है ना। अब पैसे की खटपट हुई कि चूल्हा अलगा जरना शुरू हो जाता है। तो बिरुस के पास पैसा हो गया, अब रंग बिरंग के मान लो कि समय युद्ध चल रहा है तो उसके साइंटिस्टिक सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो विकास के मार्ग में रूस चला। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का सबसे महाशक्तिशाली देश कौन बन गया? रूस बन गया। इसे शीत युद्ध की भावना प्रबल होने लगी। अब मान लो कि एक वो आगे बढ़ गया तो दूसर का क्या करता है समाज में, कटाक्ष बोलता है, तय ऐसे करके ऐसे कर दिया होगा। तो शीत युद्ध शुरू हुआ रूस के कारण विश्व में। शीत युद्ध का मतलब हुआ वाक युद्ध, मुंह से एक दूसरा के जतना नीचा दिखा लो, अस्त्र से लड़ना नहीं। रूस क्रांति अच्छा बुरा दोनों प्रभाव पड़ा, यानी रूसी क्रांति जो हुई उसके अच्छे दिन भी अच्छे प्रभाव भी पड़े और वर्ल्ड पर उसका बुरा प्रभाव भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवास जनता अपनी गुलामी से मुक्ति के लिए छटपटाने लगी। जब रूस पूर्णतः शक्तिशाली रूप हो गया, वहां के लोगों को एक तरह से आजादी मिल गई, एक तरह से लोग वहां स्वतंत्र जीवन जीने लगे, रूस ने उनको अधिकार दिया पूरा जनता को, तो विश्व की जनता अब देखने लगी कि नहीं देखने लगी? विश्व की जनता देखने लगी तो विश्व की जनता छटपटाने लगी। यूरोप में भी लोग छटपटाने लगे कि हमको रूस के जैसा आजादी चाहिए। भारत की जनता भी छटपटाने लगी हमको रूस के जैसा आजादी चाहिए। सब अपनी अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ना जोड़ो तोड़ से क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आंदोलन पर आंदोलन होने लगे, यानी तुम मुझे आजादी दो, मैं आजाद रहना चाहता हूं, मेरा देश छोड़ो, इस ढंग से बच्चा बच्चा जानने लगा। इस समय जैसे भारत के तो प्रधानमंत्री बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए कि नहीं हुए? 1947 के बाद भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जितना पॉपुलर मोदी जी हुए उतना पॉपुलर कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं हुआ। बच्चा बच्चा मोदी मोदी घर घर का कर रहा है, घर घर का छोड़ो ना वर्ल्ड का कर रहा है, इतना इनको पॉपुलरिटी प्राप्त हुई मोदी जी को। कारण क्या है?
जो ऑनेस्टी ईमानदारी से काम करेगा उसको पॉपुलरिटी मिलेगी, आज जो चोर कटारी से काम करेगा उसको कहां से मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। इसके बाद कहते हैं कि अंत में उबल कर विदेशी उन देशों से भागना पड़ा, यानी रूस जैसे ही महाशक्ति बना तो उससे लोगों को शिक्षा मिली, वो लोग आंदोलन तेज कर दिए। अंत में हुआ कि जहां अंग्रेज अपना अधिकार कायम किए थे, जहां फ्रांसीसी कायम किए थे, जहां डच कायम किए थे, ये सबको क्या करना पड़ा, देश उनका देश छोड़कर क्या पकड़ना पड़ा, भागना पड़ा। कहते हैं कि जहां जड़े जमा कर भी अनेक तरह से शोषण कर रहे थे, सभी प्रतंत्र देश स्वतंत्र हो गए। जितने भी देश थे सब देश क्या हुए, स्वतंत्र हो गए। कारण कैसे पड़ा, इसका प्रभाव रूस की क्रांति से पड़ा। रूस की क्रांति ने क्या किया, वहां के जार जो जितने निकम्मे जार हुए, निरंकुश जार हुए, सबको वहां से भागना पड़ा। लास्ट में सत्ता लेनिन के हाथ में आ गई और लेनिन ने रूस को क्या किया, सुधार दिया, द्वितीय विश्व युद्ध से हटा के अपने देश को शक्तिशाली बना दिया।